दोस्तों यदि आपका बजट 30 से 35 हज़ार है और आप इस बजट में एक बेहतरीन स्मार्टफोन देख रहे हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है एक अच्छा स्मार्टफोन सिलेक्ट करने में, क्योंकि हमने आज की इस वीडियो में 3 बेहतरीन स्मार्टफोन पिक किए हैं 30 से 35 हज़ार के बजट में। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन पर आने वाला स्मार्टफोन है Realme GT2 5G। दोस्तों इस स्मार्टफोन की लुकिंग वाइज बात करें तो बैक साइड में आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाएगी। 8.6 mm की थिकनेस के साथ आता है और 192 ग्राम इस स्मार्टफोन को वेट आपको देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं और डॉल नैनो कार्ड सिम कार्ड स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों लुकिंग वाइज ये स्मार्टफोन काफी बेहतरीन हो जाता है। तो दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन अदर स्पेसिफिकेशन की तो आपको इसमें 6.62 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 50 की प्रोटेक्शन मिल जाती है डिस्प्ले पे और आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और 1300 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी बेहतरीन हो जाता है। स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 5nm फैब्रिकेशन और बनवा चिपसेट है। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 7,75,000 समथिंग अंतुतु स्कोर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस आइए स्मार्टफोन काफी बेहतरीन हो जाता है। आप हाई सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हैं, काफी हाई सेटिंग पर BGMI खेल सकते हैं, काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं और काफी हैवी सॉफ्टवेयर भी आप इस स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं। प्रोसेसर वाइज ये स्मार्टफोन काफी बेहतरीन हो जाता है। एंड्रॉइड 12 पर ये स्मार्टफोन बेस आता है। Realme UI 3 देखने को मिल जाती है, LPDDR5 रैम मिल जाती है, USF 3.1 की स्टोरेज ही आपको देखने को मिल जाती है। और आप इस स्मार्टफोन के बैक साइड में देखेंगे तो आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप बैक कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पे और आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पे। और दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को कैमरे वाइज देखें तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको इसके कैमरे से देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छी पिक एंड वीडियो शूट कर पाएंगे आप इस स्मार्टफोन के कैमरे से। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है और Type-C केबल को सपोर्ट करता है। और दोस्तों आप इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स हमारी स्क्रीन पर दे सकते हैं। 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट आपको 14,000 के समथिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आने वाले स्मार्टफोन की, वो है OnePlus की तरफ से OnePlus 10R। दोस्तों ये स्मार्टफोन लुकिंग वाइज काफी बेहतरीन हो जाता है और आपको एक ब्रांड वैल्यू भी मिल जाती है इस प्राइस रेट में। दोस्तों इस स्मार्टफोन की लुकिंग वाइज हम बात करें तो आपको बैक साइड में प्लास्टिक बिल देखने को मिल जाएगी। 8.6 mm की थिकनेस के साथ आता है, 186 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, आपको डुअल नैनो सिम कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो लुकिंग वाइज एंड ब्रांड वैल्यू वाइज आप देखेंगे तो ये स्मार्टफोन काफी बेहतरीन हो जाता है, काफी अच्छा स्मार्टफोन हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की अदर स्पेसिफिकेशन की तो आपको इसमें 6.67 इंच की फुल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 50 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है और 1000 निट्स की ब्राइटनेस भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। और इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 8100 मैक्स प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 8 लाख समथिंग के अंतुतु स्कोर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों हाई लेवल की गेमिंग, हाई सेटिंग पे आप गेमिंग खेल सकते हैं, BGMI या कोई और भी आप गेमिंग करते हैं तो इस स्मार्टफोन में आप बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। 9 5G ब्रांड को सपोर्ट करता है ये चिपसेट। Android 12 पर ये बेस आता है। Oxygen OS 12.1 देखने को मिल जाती है। LPDDR5 रैम मिल जाती है। USF 3.1 की स्टोरेज भी आपको इस स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। तो प्रोसेसर वाइज आप देखेंगे ऑल ओवर तो काफी बेहतरीन स्मार्टफोन ये मिल जाता है आपको इस रेट में। और इस स्मार्टफोन में बैक साइड में देखेंगे तो ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। आप बैक कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पे और आपको फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे से आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पे। और दोस्तों कैमरे वाइज बात करें तो आप एक OnePlus का स्मार्टफोन देख रहे हैं तो OnePlus का कैमरा काफ़ी बेहतरीन होता है और इस स्मार्टफोन का भी कैमरा काफ़ी बेहतरीन है। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। 5000 mAh की बैटरी के साथ 80 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है जो कि Type-C केबल को सपोर्ट करता है। और इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 34,999 में देखने को मिल जाएगा और आपको बैंक ऑफर या क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल जाते हैं। तो ये स्मार्टफोन आपको और भी डाउन प्राइस में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आने वाले स्मार्टफोन की, वो है Nothing Phone 1। दोस्तों नाम Nothing है, कुछ भी नहीं, तो मतलब फोन का मतलब ये मत समझिए फोन भी कुछ नहीं है। फोन काफी बेहतरीन है। लुकिंग वाइज आप बात करें तो बैक साइड में आपको एल्युमिनियम फ्रेम एंड एल्युमिनियम बॉडी देखने को मिल जाएगी। 8.4 mm की थिकनेस के साथ आता है। 195 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं और आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों लुकिंग वाइज बात करें तो अब तक जो भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं आपको इस स्मार्टफोन की लुकिंग काफ़ी अलग मतलब यूनिक सी देखने को मिलने वाली है। और आपको बैक साइड में काफ़ी लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है। जैसे आपके पास कोई कॉल वगैरह आती है तो इसके बैक साइड की बॉडी में लाइटिंग का भी सेटअप किया गया है। आपके पास कोई नोटिफिकेशन आती है तब भी इस स्मार्टफोन के बैक साइड में लाइटिंग होगी। और आप लुकिंग वाइज देख सकते हैं काफ़ी अलग स्मार्टफोन है। आपने काफ़ी स्मार्टफोन देखे होंगे बट इस जैसा स्मार्टफोन लुकिंग वाइज में नहीं देखा होगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की अदर स्पेसिफिकेशन की। तो आपको इसमें 6.55 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5th की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 240Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है और 700 nits की ब्राइटनेस भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। और इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 6nm फैब्रिकेशन में बनगा चिपसेट है। 6 लाख समथिंग के अंततः स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। 12 5G ब्रांड को सपोर्ट करता है ये चिपसेट। तो प्रोसेसर वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। आप अच्छी खासी गेमिंग इस स्मार्टफोन से कर सकते हैं। Android 12 पर ये स्मार्टफोन बेस आता है। नथिंग OS 1.1.3 देखने को मिल जाती है। LPDDR5 रैम मिल जाता है। USF 3.1 की स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रोसेसर वाइज आप इस स्मार्टफोन को देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन हो जाता है ये। और इस स्मार्टफोन के बैक साइड में डबल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पे। और दोस्तों 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पे। दोस्तों ये स्मार्टफोन कैमरे वाइज काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। दिन में या रात में आप वीडियो या फोटो क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे इस स्मार्टफोन से। 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है और आपको 15 वाट का वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट आपको 33,999 रुपए के समथिंग देखने को मिल जाएगा। और आपको बैंक ऑफर क्रेडिट कार्ड ऑफर वगैरह मिल जाते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको काफी सस्ता भी मिल सकता है। 30,000 के अंडर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कस किया 30 से 35,000 के बजट में 3 बेहतरीन स्मार्टफोन। आपको इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी हमें सजेशन दे सकते हैं आपको किस स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानना है। हम उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना के देंगे। और वीडियो जरा से भी हेल्पफुल साबित हुई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज सेट कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। और दोस्तों यदि आप 25,000 के बजट में एक बेहतरीन स्मार्टफोन देखना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम फेसबुक या ट्विटर पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।